हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हरा धनिया की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो देख लेते हैं। हमने एक गड्ढी हरे धनिए को अच्छे से तोड़ के साफ करके और धो रखा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पुदीना पत्ती लिए हैं, लहसुन की कली, अदरक, नींबू, हरी मिर्च, काला नमक, जीरा पाउडर, सफेद नमक। तो सबसे पहले हम धनिए के पत्ती को चॉप करेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई बारीक चॉप करने की जरूरत नहीं है, इसे हम रफली चॉप करेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी तोड़ के डाल सकते हैं, पर क्वांटिटी ज्यादा है तो हम यहाँ पे मोटा मोटा काट ले रहे हैं। तो ऐसे आप इसे काट लीजिए। इसे हम अब एक मिक्सर जार में ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने छोटा वाला जार ले रखा है और इसमें हम चटनी बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से पीस जाता है अपना चटनी। तो क्वांटिटी ज्यादा है, इसके लिए हम एक बार सबसे पहले धनिया पत्ता को ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक बार पीसने के बाद क्वांटिटी नीचे चली गई है। अब यहाँ पे हम हरी मिर्च डालेंगे। तो हरी मिर्च को हम दो तीन टुकड़े में तोड़ के डालेंगे, नहीं तो मिर्च खड़ी रह जाती है। आप चाहें तो इसे चाकू से भी काट के डाल सकते हैं छोटा छोटा। दो से तीन कली हम यहाँ पे लहसुन का डाल लेंगे, पुदीने की पत्ती, अदरक और नमक, जीरा, सभी को हम इसमें डाल लेंगे। इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी चटनी कितनी बारीक पीस चुकी है। अब हम इसमें नींबू का रस निचोड़ लेंगे। तो आप चाहें तो हाथ से निचोड़ लीजिए या मशीन से निचोड़िए, एक नींबू का रस इसमें जाएगा। चटनी बहुत गाढ़ी है तो हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेंगे और इसे एक बार अच्छे से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपनी चटनी की कलर कितनी सुंदर आई है, बिल्कुल पोटर की जैसे। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये चटनी आप चाहे तो बड़ा के साथ, सैंडविच में, चाट में, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये कई तरह से यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये चटनी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।